দুই পরিবারের মধ্যে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে খুন হলেন আগরতলা খেজুর বাগান গোয়ালাবস্তি এলাকার বাসিন্দা নাগিনা প্রসাদ রায়। দীর্ঘদিন ধরেই দুই পরিবারের মধ্যে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছিল। রবিবার সকাল থেকে দুই পরিবারের মধ্যে এই নিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠলে দুপুর নাগাদ বিবাদমান প্রতিবেশী নিচিবীর রায় এবং সথিন্দার রায় নাগিনা প্রসাদের পরিবারের উপর হামলে পড়ে। তাদের আক্রমণে নাগিনা প্রসাদ ও তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য মারাত্মকভাবে আহত হন। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর রাত 9টা নাগাদ নাগিনা প্রসাদ রায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তার শরীরে বেশ কিছু স্থানে মারাত্মক আঘাতের চিহ্ন ছিল। এই ঘটনার পর রাতে আবার পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটে। এইদিকে ঘটনার পর অভিযুক্তরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবির জানান পরিবারের লোকজনেরা। এলাকার লোকজন একযোগে আক্রমণকারীদের ধাওয়া করে এবং তাদের বাড়ি ঘরে ভাঙচুর চালায়। उसको पुराना घर था। किसको? वही जो मारा राम सागर राय को। पुराना घर था, मटिया कोठा। अच्छा। उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद वो जहाँ से उनका दीवार था, हम बोला कि आपको जहाँ से दीवार है वहाँ से आप दावा खन करके अपना घर बना लो, हम लोग का कोई इतराज नहीं है। तो उसने बोला कि नहीं, इस जगह से दीवार से तीन हाथ और तुम्हारे तरफ जगह नहीं, बंद कर। ये दीवार जो है ना आगे का, उससे तीन हाथ और उस तरफ तुम्हारे तरफ हमको जमीन निकलता है, हम उतना ले करके घर बनाए। बिना ऐसे तो नहीं होगा, तो नहीं ऐसा ही होगा। हम थोड़ा अलग गए थे, आगे भी झंझट हुआ, आगे के बात बोल रहे हैं। फिर आया, फिर वो लोगों से माटी खनने के लिए तैयार हो गया, दवा खनने के लिए। तो हमारे यहाँ बोला कि भाई आप कब ये घटना कब हुआ? सर आज हुआ, एक बजे टाइम 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 हाँ एक बजे डेढ़ बजे एक बजे से हुआ था। हाँ डेढ़ बजे रात दो बजे तो भर्ती थे जो मरे। तो वो लोग नहीं माना, वो लोग पूरा रेडी पोजीशन में था, हम समझा रहे थे और लोग झगड़ा करना चालू कर दिया। ईटा पत्थर फेंकने लगा, सावल दाव सब ले करके। वो जो मर गए भाई मेरा, उनका वो एक सावल यहाँ पर मारा ना, वो गिर गए, गिर गए, गिरने के बाद भी उसको मारा, बहुत मारा, बहुत। हम बोला उनको लड़का के, धर्मिंदर नाम है बड़ा लड़का, हम गिरे बेटा इनको उठा करके जल्दी हॉस्पिटल ले जाए। उठाने भी नहीं, उठाने में उसको भी, वो तो नहीं है अभी, उसको भी आँख में ऐसा पत्थर मारा है कि देखेगा पूरा आँख पूरा काला हो गया। इनका भैया का लड़का, तीन लड़का। तो कितने आदमी आप लोग घायल हुआ है? घायल तो हम पूरे घर में, हमको सब घायल, किसी को पाँव फूट गया, किसी को आँख में यहाँ पर लगा हुआ, किसी को माथा फूट गया, एक आदमी तो मर ही गया। हमारा बड़ा, हमारा एगो लड़का है उसका भी वो है, हमारा भी यहाँ 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 पर ईटा लगा है। जो मर गया उसका नाम क्या है? उसका नाम नगीना प्रसाद राय। तो अभी आप लोग क्या क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि उसको सजा मिले। এই ঘটনার জেরে রবিবার রাতভর খেজুরবাগানস্থিত গোয়ালাবস্তিতে উত্তেজনা ছিল। থানায় গিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন এলাকাবাসী। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় ডেপুটেশন দেন তারা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনায় বেশ কিছু মানুষ আহত হয়েছেন। সোমবার সকালেও থমথমে পরিবেশ গোয়ালাবস্তি এলাকায়। ব্যুরো রিপোর্ট, আরএ নিউজ।